बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 17। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। 7 5 3 0 2 8। ठीक है, अब हमने इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले जब हम नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम लेबल कर लेते हैं। ठीक है, लेबल कैसे करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। ओके, सबसे पहले हमने उसको लेबल कर लेना है, देन उसको वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? सेवन। सेवन, सेवन के ऊपर क्या है? हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड लिखेंगे हम। सेवन हंड्रेड, जब भी हम वर्ड्स लिखते हैं हंड्रेड आता है हमारे पास, उसके बाद हम एंड डालते हैं। ठीक है, एंड लिखेंगे सेवन हंड्रेड एंड फाइव के ऊपर क्या है? टेन थाउजेंड। ठीक है, टेन थाउजेंड, तो हम फाइव और थ्री को इकट्ठा पढ़ेंगे, फिफ्टी थ्री। फाइव एंड थ्री इज फिफ्टी थ्री, तो हम लिखेंगे फिफ्टी थ्री। अब थ्री के ऊपर क्या है हमारे पास? थाउजेंड, तो फिफ्टी थ्री थाउजेंड। नेक्स्ट हमारे पास जीरो है और ऊपर हंड्रेड है। जीरो वाली वैल्यू हम वर्ड्स में नहीं लिखते, तो हम जीरो वाली वैल्यू को स्किप करेंगे। एंड हमारे पास जीरो के ऊपर हंड्रेड था, हंड्रेड के बाद हम क्या डालते हैं? एंड, तो इधर डालेंगे एंड। फिर टू के ऊपर टेंस है, ठीक है, टू के ऊपर टेंस है। जब हमारे पास टेंस आ जाता है तो हम दो वैल्यूज़ को इकट्ठा पढ़ते हैं, टू और एट क्या बनेगा? ट्वेंटी एट, एंड ट्वेंटी एट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट करते हैं के। के पार्ट देखें, फोर नाइन सिक्स थ्री एट। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले लेबल करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यू कहाँ तक गई है? टेन थाउजेंड तक। अब देखें फोर के ऊपर क्या है? टेंस आ गया है। टेंस का वर्ड जब आ जाता है तो हम दो वैल्यूज को मिला के पढ़ते हैं, फोर और नाइन क्या बन जाएगा? फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन, एंड नाइन के ऊपर क्या है? थाउजेंड, थाउजेंड, फोर्टी नाइन थाउजेंड। सिक्स है नेक्स्ट वैल्यू, सिक्स ऊपर क्या है? हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड। हंड्रेड के बाद हम क्या डालते हैं? एंड। थ्री के ऊपर टेंस है तो थ्री और एट को इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? थर्टी एट, एंड थर्टी एट। ठीक है क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अब आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं। ठीक है, वो आपने लूज शीट्स पे करके स्कूल में सबमिट कराने हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स प्लेसिंग द कोमा करेक्टली। ठीक है, हमने इसे न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स में लिखना है एंड उसमें कोमास प्लेस करने हैं। अब हमारे पास वर्ड्स में हमें दिया हुआ है और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है 512,631। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले ऊपर लेबलिंग कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, हंड्रेड थाउजेंड तक हमने इसकी लेबलिंग कर ली। अब देखें फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड, फाइव हंड्रेड के नीचे आ गया एंड ट्वेंटी, ट्वेंटी कैसे बनता है? टू जीरो, ट्वेंटी थाउजेंड। ठीक है, सिक्स हंड्रेड, हंड्रेड के नीचे हम क्या लिखेंगे? सिक्स, एंड थर्टी वन, थर्टी वन मीन्स थ्री वन, थर्टी वन। अब कोमास हम कैसे प्लेस करते हैं? हम राइट साइड से डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं और हर थर्ड टर्म के बाद हम कोमा प्लेस करेंगे, जैसे कि वन,
टू थ्री, इधर कोमा प्लेस करेंगे, वन टू थ्री। फिर इस साइड पे अगर कोई और वैल्यू होती तो हम यहाँ भी कोमा प्लेस करते, लेकिन अभी पीछे कोई और वैल्यू नहीं है तो बस फिर यहीं कोमा आएगा और कहीं कोमा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका एक और पार्ट देख लें, पार्ट नंबर डी। ठीक है, डी स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या है, 700 and 5102। ठीक है, इसमें भी मैं सबसे पहले लेबलिंग कर लेती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, अब देखें डी पार्ट में 700 and 5000। ठीक है, तो 100 के नीचे 7 आ जाएगा, 5000 है। ठीक है, 5000 को हम कैसे लिखेंगे, 05। ठीक है, देखें 055 बनता है और 50 जो होता है वो 50 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 05 लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 05। नेक्स्ट 100, 100 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 एंड 2, 2 का भी वही केस है, 20 जो होता है वो 20 हो जाता है, इसलिए हम 20 नहीं लिखेंगे, हम 02 लिखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, 02। फिर अब हमने कोमा प्लेस करना है, तो 1 2 3 इधर हम क्या प्लेस कर देंगे, कोमा। ठीक है, इसका एक और पार्ट देख लें, पार्ट नंबर आई। ठीक है, पार्ट आई, 1111। इसका 1000 तक हम लेबल करेंगे, देखें ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो जब 100,000 से स्टार्ट हो रहा था तो हम 100,000 तक लेबल करते थे, अब इसको लेबल करेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, इसका सिर्फ कहाँ तक लेबल होगा, 1000 तक। अब देखें 1000, इसका मतलब 1000 के नीचे क्या आएगा, 1। 100, 100 के नीचे भी क्या आएगा, 1। एंड 11, 11 मींस 1 1। ठीक है, ये वैल्यू बनी है, अब इसमें भी कोमा प्लेस करने के लिए 1 2 3 यहाँ पे कोमा प्लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच नंबर। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए, आप देख सकते हैं उनमें हर नंबर में एक वैल्यू जो है वो कलर्ड है। ठीक है, जैसे इसमें आपको 5 नज़र आ रहा है, 0 है, 4, इस तरह जो कलर्ड वैल्यूज़ हैं हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसकी क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए, 8 2 5 9 0। इसमें कलर्ड वैल्यू 5 है। ठीक है, कलर्ड वैल्यू 5 है। अब इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो उसमें लेबल करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड। 5 के ऊपर क्या आया है, 100, तो हम इधर लिखेंगे 500। ठीक है, और फिर हम इसको प्लेस वैल्यू, जो एक मेथड ये होता है, और दूसरा जो नंबर्स में हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं उसमें हम 5 और आगे कितनी डिजिट्स हैं, 10, 2 जीरोस डाल देंगे। और वैसे भी 500 कैसे लिखते हैं, 5 और आगे 2 जीरोस। ठीक है, तो हम वैल्यूज काउंट करके भी जीरोस डाल सकते हैं और हमें पता है कि 500 में कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस, तो वो हम 2 जीरोस डालेंगे। ठीक है, इसी का पार्ट जी करते हैं, 3 7 3 3 3। ठीक है, इसमें ये लास्ट 3 जो है वो कलर्ड है। ठीक है, तो इसमें भी लेबलिंग करेंगे वंस, 3 के ऊपर क्या आ रहा है, वंस, तो इधर हम लिखेंगे 3 1s। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल 3 आएगा, 3 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा, और वंस में भी कोई जीरो नहीं आता, इसलिए हम इसमें सिर्फ 3 लिखेंगे। नेक्स्ट एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, पार्ट नंबर एच, 99119। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 जो है वो अंडरलाइंड है। ठीक है, ये वाला जो सेकेंड वन है, एक फर्स्ट ये वन है, सेकेंड वन जो है हमारे पास अंडरलाइंड है। अब इसमें वंस, टेंस, ठीक है, अब हमारे पास जो 1 है उसके ऊपर क्या आ रहा है, टेंस, तो इधर लिखेंगे 1 टेंस,
और सेकंड में हमें पता है 10 में कितने जीरोज आते हैं, 10, तो 10 डाल देंगे, और 1 के आगे एक 9 डिजिट है तो एक ही जीरोस के आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, राइट दीज न्यूमरल्स, ये जो नंबर्स हैं, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इन नंबर्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करते हैं, 17005, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट लेंगे, 1। अब देखें इसके दो मेथड्स हैं लिखने के, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, अब देखें थाउजेंड में हमारे पास कितने जीरोज आते हैं, 3 जीरोज आते हैं। ठीक है, अब 1 के ऊपर क्या है, 10,000। ठीक है, 10,000 में फिर हम एक जीरो टेंस का ऐड कर देंगे, तो 1,000 में 3 जीरोज आते हैं और एक टेंस का जीरो ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज। ठीक है, 1, 2, 3, 4। और सेकंड इसका मेथड क्या है कि आपने 1 लिखा है, ठीक है, उसके आगे डिजिट्स काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, तो उतने जीरोज हम डालेंगे। ठीक है, प्लस 7, 7 के ऊपर क्या है, 1,000, 1,000 में कितने जीरोज आते हैं, 3, 1, 2, 3, और इसके आगे डिजिट्स भी देख लें, 1, 2, 3, तो 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, और बीच में हमने इन सारे के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो एडिशन का साइन, प्लस का साइन हमने लगाना है। नेक्स्ट देखें, फिर प्लस, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0, और 100 में आगे कितने जीरोज आते हैं, एक तो ये वाला जीरो हो गया, नेक्स्ट 100 में कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज, तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए, और इसके आगे वैल्यूज भी 2 हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 है, फिर 0 आ जाएगा, और टेंस में एक जीरो आता है तो एक जीरो ये हमने डाल दिया। ठीक है, और टेंस के आगे एक 5 वैल्यू है तो उसका भी एक जीरो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, वंस में कोई जीरो नहीं आता, इसलिए हम उसमें कोई जीरो नहीं डालेंगे, सिंपल एक टर्म लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसका एक और पार्ट देख लें, पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी देख लें, 80964, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, इसमें क्या होगा, 8 है, ठीक है, 10,000 में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं, तो 10,000 में कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज, 1, 2, 3, 4, प्लस 0, 0 के ऊपर क्या है, 1,000, 1,000 में कितने जीरोज आते हैं, 3, तो 1, 2, 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 9, 9 के ऊपर क्या है, 100, 100 में कितने जीरोज आते हैं, 2, 1, 2, प्लस 6, 6 के ऊपर क्या है, 10s, 10s में कितने जीरोज आते हैं, 1, तो ये एक जीरो हमने डाल दिया, प्लस 4, 4 के ऊपर क्या है, 1s, 1s में कोई जीरो नहीं आता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द बॉक्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ठीक है, करेक्ट सिंबल यूज करते हुए हमने बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, और हमारे पास सिंबल्स क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीन साइंस को पुट करते हुए हमने ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो फर्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। अच्छा, जब हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन पुट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम डिजिट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड पे भी 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड पे भी 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, अभी डिजिट सेम है, इस वजह से हम इसके वैल्यू नंबर्स को देखेंगे, 1, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, अब देखें फर्स्ट टू डिजिट्स दोनों की क्या थी, सेम थी, लेकिन थर्ड डिजिट डिफरेंट है, 0 है इधर और इधर 1 है, कौन सी बड़ी वैल्यू होती है, 0 होती है या 1, 1। ठीक है, तो 1 की तरफ हम क्रोकोडाइल का मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, बी पार्ट पे,
सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। फिर नंबर्स 2 है, 2 है सेम है, फिर सेकंड नंबर पे आ जाएंगे 9 है और 8 है, डिफरेंट आ गया, कौन सा बड़ा है 9, तो क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड पे ओपन करेंगे ठीक है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 दोनों साइड्स पे 4 डिजिट्स हैं। फिर अब नंबर्स देखेंगे 6, 6 फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट क्या है 5, 5 सेम है, थर्ड डिजिट है इधर 3 इधर 2, 3 बड़ी होती है 2 से, तो हम इस साइड पे क्रोकोडाइल का मुंह ओपन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट डी 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड पे भी 5 डिजिट्स हैं ठीक है। अब हम नंबर्स देखेंगे 6, 6 सेम है, 0, 0 सेम है, 5, 5 सेम है, 0, 0 सेम है, 5 and 0 इसकी लास्ट डिजिट सिर्फ डिफरेंट है, इधर 5 है और इधर 0, कौन सा बड़ा होता है 5, तो क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड पे ओपन करेंगे ठीक है। ई पार्ट देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, दोनों साइड पे 6 डिजिट्स हैं, इधर फर्स्ट टर्म 8 है, इधर भी 8 है, 7 है और 1 है, सेकंड टर्म ही डिफरेंट है इसकी, इस साइड पे 7 है इधर 1 है, कौन सी बड़ा होता है 7 बड़ा होता है या 1, 7 बड़ा होता है, इसलिए क्रोकोडाइल का मुंह हम बड़े की साइड पे खोलते हैं तो 7 वाले की साइड पे ओपन करेंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट 8, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 डिजिट्स हैं, अब हम डिजिट्स को मैच करेंगे, 8, 8 सेम है, 6, 6 सेम है, 9, 9 सेम है, 5, 5 सेम है, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम हो तो हम इक्वल्स टू का साइन पुट करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 4 वैल्यूज इसकी भी सेम, डिजिट सेम थे और इधर भी डिजिट सेम थे, तो हमने इक्वल्स टू का साइन पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे पास ब्लैंक्स हैं हमने उनको फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक देखें ए पार्ट, द सक्सेसर ऑफ 7502 इज ठीक है, सक्सेसर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं ऐड करते हैं ठीक है, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या है 7502 7502 अब इसमें हमने इसका सक्सेसर लिखना है तो प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करने से 2 + 1 = 3057 ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा 7503 ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें बी पार्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने लिखना है जो कि इन डिजिट से फॉर्म हो, 3, 5, 1, 7, 9 ये डिजिट्स हमें दिए हुए हैं इनसे बनता हो वो नंबर, वो हमने 5 डिजिट नंबर लिखना है, तो जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, इन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1 ठीक है, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद कौन सी है 3, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखते हैं, जब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी हो तो हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख लेते हैं, 1 फिर क्या कौन सी वैल्यू आएगी 3, 3 5, 5 फिर 7 तो इधर 7 फिर 9 एंड इधर 9 ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया है। इसके लिए याद रखें कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम नंबर्स को जो डिजिट्स हमें दिए हुए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, द रोमन न्यूमरल फॉर 6 इज ठीक है, रोमन नंबर्स आपने पीछे किए हुए हैं उस 6 का रोमन नंबर लिखना है तो वो होता है वी आई ठीक है, वी आई। नेक्स्ट डी पार्ट देखें 40,000, 5,800, 30 and 6 ये हमें उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने इसकी नंबर न्यूमरल फॉर्म लिखनी है ठीक है, तो न्यूमरल फॉर्म कैसे लिखेंगे 4, 4 फर्स्ट डिजिट्स को हम इसमें लिखेंगे 4, 5, 8, 3, 6 4, 5, 8, 3, 6
नेक्स्ट ई पार्ट देखें, द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज, ठीक है. अब हमने कोई भी ऐसा ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बताना है कि सबसे बड़ा सिक्स डिजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम 9 पुट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 और 0s पुट करते हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम 9s पुट करते हैं. तो अब सिक्स डिजिट नंबर लिखना है तो 6 9 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6. तो 9 कितने पुट करेंगे, 6 9s हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखें एफ पार्ट, द डिजिट 7 इज इन द डैश प्लेस. वो कह रहे हैं कि डिजिट 7 डैश प्लेस पे है इन द नंबर, इस नंबर में 7 की क्या डिजिट प्लेस बन रही है, ठीक है. तो अब हमने क्या लिखना है, 7 और आगे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 1 2 3, तो इसकी प्लेस क्या बन रही है, 1000. यहाँ हम इसको लेबल करके भी देख सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 7 के ऊपर क्या आ रहा है, 1000, तो 7000. जी पार्ट देखें, डैश इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1000. प्रीडिसेसर के लिए क्लास मैंने आपको बताया वह है कि हम माइनस करते हैं, ठीक है. माइनस क्या करते हैं, माइनस 1 करते हैं. तो अब इसमें हमने प्रीडिसेसर बताना है, इसलिए मैं माइनस 1 कर रही हूँ. अब 0 है, कैरी 0 में से 1 नहीं जा सकते ना, तो कैरी लेंगे, इधर 0 आ जाएगा, 1 इसको काटेंगे, इधर 9 रह जाएगा, 1 इसको काटेंगे, ये इधर भी 9 रह जाएगा, और ये 1, ठीक है, 10 बन गया, ठीक है. 10 में से 1 गए 9, इधर भी 9, इधर भी 9, और ये 0 था तो वो नहीं हम लिखेंगे, ठीक है. तो 999, तो 1000 का प्रीडिसेसर क्या आ जाएगा, 999, मींस 999. एज पार्ट देखें, 100 लेस देन 8000 इज, 100 लेस देन 8000 का मतलब ये है कि 8000 में से हमने क्या माइनस करना है, 100. लेस देन का मतलब होता है हमने सब्ट्रैक्ट करना है. 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, अब 0 में से 1 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 10 में से 1 गए 9, और इधर क्या था, 7, 7900, 7900, ठीक है, 7900, 7900. नेक्स्ट देखें, 1000 मोर देन 1639 is, हमें 1639 दिया हुआ है, और मोर का मतलब होता है एडिशन हम करेंगे, ठीक है. लेस में हमने सब्ट्रैक्शन की थी ना, तो मोर में क्या करेंगे, एडिशन. तो 1639 में 1000 को ऐड करेंगे, क्योंकि मोर है, ठीक है, मोर है तो ऐड करेंगे, 9362 2639, ठीक है, 909 303 606 1 और 1 2, तो 2639. जे पार्ट देखें, द अरेबिक न्यूमरल फॉर एक्स आई इज, ठीक है, तो एक्स आई का अरेबिक न्यूमरल क्या होता है, 11, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं और उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी प्लेस करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्लेस करना है. तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए देखें आपके पास. फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए 10820, सेकेंड 1820, 35236, फिर हमारे पास 66102 एंड 90526. ये हमारे पास वैल्यूज हैं, सही है. इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना है. फर्स्ट हम पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं पहले इन्हें. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है, सॉरी छोटे से बड़ा, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर हम छोटे से
बड़े में इसको प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्लेस करने के लिए वैल्यूज काउंट करते हैं, ठीक है। 3 to 4 फर्स्ट टर्म में 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। सेकंड देखें, 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं। फिर देखें, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 वैल्यूज हैं। तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स हमारे पास नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे 1820। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1820। फिर सेकंड हमारे पास, अब देखें सारों के डिजिट्स क्या हैं, सेम है, सारों की 5 डिजिट्स हैं, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, और इसकी भी 5 डिजिट्स हैं। अब डिजिट्स सेम हैं तो हम नंबर्स मैच करेंगे। फर्स्ट नंबर देखते हैं, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 स्मॉलेस्ट है, 3, 6 या 9? 1 स्मॉलेस्ट है तो हम 1 वाली वैल्यू को लिख लेंगे नेक्स्ट, 1 0 8 2 0। फिर नेक्स्ट, अब ये दो वैल्यूज लिखनी है, इनको कट कर देंगे। अब इन 3 में कंपैरिजन करना है हमने। अब इन 3 में भी डिजिट्स तो सेम है, हम नंबर्स को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 3, इसमें भी, इसमें 6 है, इसमें 9 है, ठीक है। अब देखें 3, 6 और 9 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, ठीक है, तो 3 वाली वैल्यू लिखेंगे, 3 5 2 3 6। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिजिट्स बच गई हैं, इन 2 डिजिट्स में हमारे पास सेम डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, लेकिन फर्स्ट वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कौन सी छोटी है, 6 छोटा है या 9? 6, ठीक है, तो 6 वाली वैल्यू हम इधर प्लेस कर देंगे। फिर लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 ही बची है, 9 वाली, तो उसको हम एंड पे प्लेस करेंगे। अब हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट लिया और ग्रेटेस्ट वैल्यू तक हम गए। अब हमने सेकंड इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये देखिए आपके इधर लिखा हुआ है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए इसका ऑपोजिट हो जाता है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू बन जाती है और फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो लास्ट में चली जाती है। अब देखें इसकी लास्ट वैल्यू क्या आई थी, 90526, ठीक है, तो 90526 इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाली वैल्यू आएगी 66102, फिर हमारे पास 35236, फिर हमारे पास 10820, एंड लास्ट वन जो आएगी वो ये वाली 1820, 1820, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह आपने बाकी 2 पार्ट्स भी करने हैं, दोनों को असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी, ठीक है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को हमने रिंग मींस सर्कल करना है, ठीक है, रिंग मींस सर्कल, एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब टिक करना है हमने जो स्मॉलेस्ट होगा। ए पार्ट देख लें, फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहले हमने, मैंने आपको बताया हुआ है, डिजिट्स काउंट करेंगे जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट वाली में कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। सेकंड में 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट्स हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन में पार्ट ए में 2 डिजिट्स जो हैं वो 6 हैं, ठीक है, एक ये वाली 6 डिजिट है और एक ये वाली 6 डिजिट है, ठीक है, बाकी 2 डिजिट्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो 5 सबसे पहले स्मॉलेस्ट को टिक करने के लिए हम 5 डिजिट्स वालों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 6 वाली तो दोनों उससे बड़ी ही होंगी ना, तो 5 डिजिट्स वालों को कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट टर्म देखें, इधर 3 है, इधर 9 है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, 3 होती है या 9? 3, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 वाली वैल्यू को हम टिक कर देंगे, क्योंकि हमने टिक करना था स्मॉलेस्ट वैल्यू को। अब नेक्स्ट हम
ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इन दो को जो सिक्स सिक्स डिजिट्स थी उनको कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बाकी दो तो उन सिक्स डिजिट्स से छोटी ही हैं, ठीक है। तो सिक्स डिजिट्स वाली को कंपैरिजन करेंगे और उनमें बड़ी देखेंगे कौन सी है, टू है इधर और इधर वन है, कौन सी बड़ी वैल्यू है, टू वाली। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, टू, ये वाला, ठीक है, 240001, ठीक है। इस तरह हमने सारों को कंपैरिजन करना है और उसके टिक और रिंग करना है नंबर्स को। बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क है, जितना भी मैंने ये पेज नंबर 17 और 18 आज किया है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क है, आपने लूज शीट्स पे करके और स्कूल में सबमिट कराने हैं। थैंक यू।